वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट सॉल्यूशंस। इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट के बारे में बताऊंगा। क्या आप सीएससी या नेट कैफे जाकर बिल पे करते हैं और वहां आपको लाइनों में भी खड़ा होना पड़ता है? पर बहुत से लोग तो ऑनलाइन पे करते हैं। क्या ऑनलाइन? जी हाँ, ऑनलाइन। कैसे? वही मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट आपको अपना फ़ोन का कोई सा भी एक ब्राउज़र को ओपन करना होगा। फिर ऊर्जा पे डॉट अंडमान डॉट जी ओ वी डॉट इन को सर्च करना होगा। वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर है। जैसे ही आप सर्च करेंगे, ऊर्जा पे का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा ताकि आप सारे बेनिफिट्स को यूज़ करें जो यहाँ पर दिया गया है। मेन्यू पर क्लिक करें, देन क्रिएट अकाउंट। नेक्स्ट, अभी आपको बेसिक डिटेल्स देना होगा, लाइक नेम, फ़ोन नंबर, फिर पासवर्ड क्रिएट करना होगा। और आपका पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक नंबर और स्पेशल कैरेक्टर होना ज़रूरी है। साथ ही याद रखें कि आपके पासवर्ड का साइज 5 से 10 के बीच में होना चाहिए। फिर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन को सेलेक्ट करें और उसका आंसर दें, ताकि फ्यूचर में कभी आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो सिक्योरिटी क्वेश्चन को आंसर देकर आप अकाउंट रिकवरी कर सकते हैं। फिर कैप्चा एंटर करें, रजिस्टर पे क्लिक करें। अभी आपका फ़ोन नंबर पे ओटीपी आएगा और आपका ओटीपी एंटर करना होगा और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना होगा। आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। अभी क्लिक हियर टू लॉगिन को प्रेस करें, फिर फ़ोन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका लॉगिन हो गया। अभी पे योर बिल में क्लिक करें। नेक्स्ट, अपना कंज्यूमर नंबर ऐड करें। आपका कंज्यूमर नंबर आपके बिल में होगा, यहाँ पर ऐड करें। फिर ऐड को क्लिक करें। लो, आपको नोटिफिकेशन आ गया कि आपका कंज्यूमर नंबर ऐड हो गया और आपका कंज्यूमर नंबर नीचे दिखा रहा है। नेक्स्ट, पे बिल पर क्लिक करें और कंज्यूमर नंबर को सिलेक्ट करें। आपका बिल ओपन हो गया, जहां पर सारे डिटेल्स क्लियरली मेंशन है, जैसे कि कौन सा मंथ का पेमेंट पेंडिंग है या टोटल अमाउंट, सब क्लियरली दिखा रहा है। अभी पे पर क्लिक करें। नेक्स्ट विंडो ओपन हो रहा है। यहां पर आपका डिटेल्स फिर से दिखा रहा है। आप सारे डिटेल्स को फिर से चेक करिए। डिटेल्स चेक करने के बाद फिर से कैप्चा को एंटर करें। कैप्चा एंटर करने के बाद कंफर्म पर क्लिक करें। नेक्स्ट पेज ओपन हो गया, जहां पर आप कौन से वे में पेमेंट करेंगे उसे मेंशन करना होगा। आपको अपना बैंक सेलेक्ट करना होगा। मैं SBI के थ्रू पे करूंगा, तो मैं SBI सेलेक्ट करता हूं। नेक्स्ट, आप नेट बैंकिंग यूज़ करेंगे या UPI ID या डेबिट कार्ड, उसे सेलेक्ट करना होगा। मैं डेबिट कार्ड यूज़ करूंगा, तो मैंने उसे सेलेक्ट किया। फिर कौन सा कार्ड है उसे सेलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट, नीचे जो कैप्चा दिया गया है उसे एंटर करिए। कैप्चा एंटर करने के बाद नीचे बहुत कुछ लिखा है, उसे एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। एक्चुअली यहाँ पर यह लिखा गया है कि आपको पेज रिफ्रेश नहीं करना है और बाकी डिटेल्स दिया गया है। सब कुछ क्लियरली पढ़ने के बाद आई एक्नॉलेज पर क्लिक करें, फिर पे पर क्लिक करें। अभी आपको अपना कार्ड डिटेल्स एंटर करना होगा, जैसे कि कार्ड नंबर, वैलिडिटी, नेक्स्ट नेम ऑन कार्ड, देन CVV। फिर उसके बाद आपको प्रोसीड पर सेलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट, एक नीचे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जहां पर आपका समरी होगा, अमाउंट का समरी। फिर प्रोसीड पर क्लिक करें। नेक्स्ट पेज OTP वाला पेज है, जहां पर आपको जो OTP आएगा उसे एंटर करना होगा। OTP एंटर करने के बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा और आपका जो रिसिप्ट है वो जनरेट हो जाएगा। बस ऐसे ही आपको बिल पे करना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।